वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद बेसिक्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा कि UPSEE के थर्ड राउंड में जो आपको लेनी है, क्योंकि इस राउंड में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। जबकि पिछले राउंड्स की अगर मैं बात करूं तो सेकंड राउंड आपका 12 दिन तक चला था, यानी आपके पास सोचने समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम था कि कब क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, सीट अलॉटमेंट क्या होता है, सीट अलॉटमेंट आ गया इसके बाद क्या करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका जो थर्ड राउंड है वो 6 दिनों के लिए ही चलेगा सिर्फ, यानी 20 तारीख से 26 तारीख के बीच तक ही चलेगा, और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो 6 दिनों में आपको जितने भी स्टेप है वो ध्यान से समझ लेने हैं कि क्या क्या करना है। तो इसमें देखो, रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट की जो डेट है वो 20 और 21 है, यानी सिर्फ 2 दिन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो थर्ड राउंड के लिए। डॉक्यूमेंट यानी आज बस 21 ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी आपके पास सिर्फ 2 दिन ही मिलेंगे, यानी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे 21 और 22। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग जो है इसके लिए आपको 3 दिन मिलेंगे, 21, 22 और 23। ठीक है, तो इन 3 दिनों में आपको चॉइस लॉकिंग भी करनी है, मतलब 20 तारीख से आप स्टार्ट कर दो कि हर एक दिन पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना पड़ेगा। सीट अलॉटमेंट वो भी देखो, आप 23 तारीख को आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सीट मिली है या नहीं मिली है, कौन सी सीट मिली है। ठीक है, जब आप चॉइस लॉक कर दोगे तब। इसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस, तो विलिंगनेस की जो डेट है वो 23 से 25 तारीख है, यानी 3 दिन है। ठीक है, तो इन 3 दिनों में आपको विलिंगनेस दिखानी है कि मुझे फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। ठीक है, जो भी आप चाहते हो कर सकते हो। इसमें आपको विड्रॉल की जो डेट है वो अलग से दी जाएगी। थर्ड राउंड ये आखिरी राउंड है जिसमें आप विड्रॉ कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 दिन मिलेंगे। फिर आ गया पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन, तो यहाँ पर आपको 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में फ़ीस पे करनी है, जो कि बड़ी वाली फ़ीस है, 20 और 12 हज़ार की जो फ़ीस है। ठीक है, वो आपको पे करनी है। तो दोनों की डेट देखो आप सेम है, ऑनलाइन विलिंगनेस और फ़ी पेमेंट की जो कि बड़ी वाली फ़ीस है, तो दोनों एक साथ ही होते हैं ये दोनों स्टेप। इसके बाद विड्रॉल की डेट जो कि 23 तारीख से 26 तारीख के बीच में है, 3 दिन का टाइम है आपके पास, तो जो भी विड्रॉ करना चाहते हैं वो इन 3 दिनों में कर सकते हैं, टाइम भी देख लेना। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको रिफ़ंड कितना मिलेगा अगर आप विड्रॉ करते हो, तो 20 हज़ार जिसने पे किए थे उन्हें 10 हज़ार मिलेंगे, जिन्होंने 12 हज़ार पे किए थे उन्हें 6 हज़ार मिलेंगे। ये आखिरी राउंड है विड्रॉ करने का, इसके आगे आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका विड्रॉ के साथ पूरा राउंड ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका आता है जब ये पूरे सारे स्टेप आप कर लोगे तो फिज़िकल रिपोर्टिंग, यानी कॉलेज में जाकर जो विज़िट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ जाकर, तो उसकी जो डेट है 26 तारीख से 29 तारीख तक, 3 दिन में ही आपको ये काम कराना होगा। यानी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, जो कि मैंने लिस्ट बता दी थी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में लेकर जाने हैं, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट ना देखे हों तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में UPSEE की। तो इन 3 दिनों में अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार नहीं है तो वो भी तैयार कराना पड़ेगा। बाकी डोमिसाइल जो भी आपके डॉक्यूमेंट उसमें मैंने बताए हैं, अगर आपके वो तैयार नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार कराते हुए चलना। यानी 3 दिन है आपके पास, इन्हीं 3 दिनों में कंप्लीट कराना है प्रोसीजर। एक बार अगर आपके डॉक्यूमेंट तैयार भी ना हो, और आप अगर ऐसा हो कि आपसे ये कह दिया गया हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनने के लिए दिया हो और अगर आपसे ये कह दिया गया हो कि अभी तो इसमें 1 हफ़्ता लगेगा, और मान लो यहाँ पर 3 दिन लिखे हैं, तब क्या करो? तो वहाँ पर सबसे पहले आप 26 या 27 में कॉलेज में जाकर पता कर लो कि सर ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास तैयार नहीं है और इतने दिन को कह दिया है उन्होंने, तो क्या सर कुछ हो सकता है? तो वो बता देते हैं कि चलो मैं 1 हफ़्ते के बाद भी ले सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो कॉलेज में जाकर ज़रूर कन्फर्म कर लेना। जैसे पासबुक की कुछ परेशानी हो सकती है, किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, पासबुक की मान लो अगर फोटोकॉपी उन्होंने मांगी एक बार को मान लो और उसके पास है नहीं, तो वो आप कॉलेज में जाकर पता कर सकते हो क्या सर अर्जेंटली ज़रूरत है, तो कॉलेज में वो बता देते हैं कि चलो आप बाद में भी कर देना, तो कॉलेज से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ ये थर्ड राउंड पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपके लिए फोर्थ राउंड की भी डिटेल लाने वाला हूँ, ठीक है, अगर आप जानने के लिए इच्छुक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसी तरह के UPSEE के अपडेट पाते रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।